समीक्षा बैठक रखी, क्या हुआ? आज माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्यमंत्री निवास पे माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में, उप मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में, फाइनेंस मिनिस्टर जी की उपस्थिति में और संसदीय कार्य मंत्री, मुख्य सचिव और सभी वरिष्ठ अधिकारियों के इस बैठक में नवीन विधानसभा भवन, विश्राम गृह भवन और विधानसभा के अधिकारी कर्मचारियों के लिए आवास के संबंध में जो चर्चा हुई थी फरवरी में, और वो फरवरी की बैठक के बाद ये दूसरी बैठक यहाँ पे हो रही है। और इसमें फरवरी के बाद अभी तक जो काम विधानसभा भवन का प्रारंभ हुआ था करीब 36% था उस समय जब हम फरवरी में बैठे थे, आज जब हम बैठे हैं तो 66% से ऊपर काम विधानसभा का हो चुका है। यानी इसका मतलब है कि प्रोग्रेस जो हो रहा है संतोषजनक है और तेजी के साथ निर्माण के कार्य बन रहे हैं, चल रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर का पूरा काम ये 2024 में पूरा हो जाएगा और इसके बाकी फिनिशिंग का काम और दूसरे काम वो मार्च और अप्रैल के 25 में कंप्लीट करके देने के लिए भाई के संबंध में आज चर्चा हुई। और विधानसभा में जो सुझाव आए हैं कि बेहतर वाटर हार्वेस्टिंग हो, ग्रीनरी बेहतर हो, सोलर लाइट वहाँ पे लगे, अधिकारी कर्मचारी विधायकों के लिए जो विधानसभा से हम आवास के लिए जो उनको मकान जगह देते हैं शहरी खड़ी में, उसके संबंध में भी निर्णय हुआ, उसका आगे बढ़ के क्रियान्वयन हो और जल्द से जल्द उनके लिए भी अलॉटमेंट की प्रक्रिया शुरू करें। नए विधायक विश्राम गृह के निर्माण के लिए जो प्रस्तावित जगह है नया रायपुर में, उसमें भी आगे काम बढ़े, इस दृष्टि से चर्चा भी हुई और निर्णय भी लिया गया। और मुझे लगता है कि एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि चीफ सेक्रेटरी महोदय इस पूरे के पूरे निर्माण की पूरी प्रक्रिया जो आज जहां रुकी हुई है उसको समयबद्ध टाइम बाउंड निर्माण के लिए महीने में एक बार बैठकर अधिकारियों से चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और जहां भी कोई विभागीय दिक्कत है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। अन्य कोई विषय हो तो मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाएंगे, फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं उनके जानकारी में लाएंगे। इस प्रकार ये सारे विषय में आज बैठकर एक डेढ़ दो घंटे चर्चा होगी। सर लगातार सभी विभागों की बैठक अब शुरू हो रही है, किस तरह की बैठक हो रही है, क्या नहीं है? नहीं, विधानसभा की प्रक्रिया चल रही है। विधानसभा का सत्र के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय निर्धारित किया है, संसदीय कार्य मंत्री जी ने प्रस्ताव भेजा था, तो 22 जुलाई से 31 जुलाई तक विधानसभा का सत्र के संबंध में मुख्यमंत्री जी ने समय निर्धारित किया है, उस तारीख में विधानसभा का सत्र हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी का 2047 तक विकसित भारत, वो प्रधानमंत्री जी का विजन, तीसरी बार जब प्रधानमंत्री बने हैं तो रफ्तार अब दुगनी होगी। दिल्ली में मोदी जी और छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार, ये डबल इंजन का एक मॉडल छत्तीसगढ़ देश के सामने प्रस्तुत करेगा और ये दिखाएगा कि रफ्तार किस तेजी के साथ हम छत्तीसगढ़ को विकसित कर सकते हैं। तो एक सक्षम नेतृत्व छत्तीसगढ़ में भी है और माननीय मोदी जी के नाम और काम और उनके मार्गदर्शन का उपयोग करते हुए हमारा मंत्रिमंडल के हमारे सभी सदस्य बेहतर काम करें।